आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे अवसान माता की पूरी पूजा। हम मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में आज अवसान माता की पूजा रखी गई है, तो सभी महिलाएं वहां पर इकट्ठी होंगी और वहीं पर अवसान माता की पूजा की जाएगी। तो आप सभी लोग हमारे इस ब्लॉग पर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए हम आपको अवसान माता की पूजा दिखाते हैं। लेट हो गया है ब्लॉग बनाने में, तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं जल्दी से, क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया है। तो आज हम आपको पूरी पूजा दिखाएंगे। अभी हम लगा रहे हैं पैरों में रंग लगा रहे हैं। हमने बहुत लेट शुरू किया है फ्रेंड, हमारा काम नहीं ख़त्म हुआ था आज जल्दी, इस वजह से आज हमें बहुत देर हो गई है। हमें इस टाइम पहुंच जाना चाहिए था, सब लोग आ गए हैं। दिखे नहीं रहा। तो ये हम आ गए हैं मंदिर। आप देख सकते हैं कि सभी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी हैं और अवसान माता की पूजा शुरू होने जा रही है। ये मंदिर हमारे पड़ोस में है, ये कामा देवी मंदिर है। हम सभी महिलाएं कामा देवी मंदिर पर पूजा करेंगे। तो यहाँ पर महिलाओं की कोई गिनती नहीं की गई है कि कितनी महिलाएँ पूजा में बुलाई जाएंगी। यहाँ पर लगभग 21 औरतें आई हुई हैं, तो सभी माता जी की पूजा करेंगी। तो आप देखिए कि पूजा शुरू हो गई है, सभी के आंचल में कोछा दे दिया गया है। ये लैया चना गुड़ और पेड़े का जो कूरन लगाया गया है, ये सबको सबके आंचल में दे दिया जा रहा है, कोछा भरा जा रहा है। और चौकी पर माता जी का कलश रखा हुआ है। तो अब माता जी की पूजा स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि पूजा तभी स्टार्ट होती है जब कोछा दे दिया जाता है। तो कोछा सभी महिलाओं ने ले लिया है और अब पूजा होगी। तो जो पूजा में जो सबसे मेन महिला होंगी वही पूजा करेंगी। तो ये इन्होंने पूजा रखाया है, तो पहली पूजा इन्हीं के हाथों होगी। तो ये अपनी पूजा स्टार्ट करने जा रही हैं। पूजा में सबसे पहले कलश के ऊपर का जो दिया होगा, दीपक होगा, वो जलाया जाएगा और उसके बाद जल छिड़का जाएगा फूल से। जल छिड़कने के बाद धूप बत्ती जलाई जाएगी। तो अभी आप देख रहे होंगे कि अभी सारी महिलाएं कोछा ले रही हैं, अभी कोछा सबने लिया नहीं है, तो अभी पूजा स्टार्ट नहीं हो रही है। पूजा तभी स्टार्ट होगी जब सभी महिलाएं अपना अपना कोछा ले लेंगी। तो ये महिलाएं अपना अपना कोछा ले रही हैं और इधर पूजा स्टार्ट हो रही है। कलश के ऊपर का दीपक जलाया जा रहा है। दीपक जलाने के बाद माता जी की पूरी पूजा होगी। सुहाग का पूरा सामान चढ़ाया जाएगा, सिंदूर चढ़ाया जाएगा और भी जो सामग्रियां हैं, पान बिंदी पेड़े गुड़ लैया, सभी कुछ माता जी को चढ़ाई जाएगी और सभी लोग माता जी से प्रार्थना करेंगी। एक एक करके सारी महिलाएं इसी तरह से इसी विधान से पूजा करेंगी। तो ये देखिए, ये मंदिर है हमारा। तो पूजा स्टार्ट हो चुकी है और सभी महिलाएं इसी क्रम से एक एक करके आती जाएंगी और अपनी पूजा करती जाएंगी। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ मेन पूजा ही दिखाएंगे। तो आप लोग देखिए, क्योंकि पूरी पूजा अगर हम आपको दिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, करीब एक घंटे लगेंगे। तो हम इसलिए पूरी पूजा आपको नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ हम एक दो लोगों की पूजा ही आपको दिखाएंगे। तो आप लोग समझ जाइए कि इसी तरह से सभी महिलाएं पूजा करेंगी। यहाँ पर दो गौरी माता आई हुई हैं, दो गौरी हैं, दो सिंदौरे हैं, तो दोनों से महिलाएं पूजा करेंगी। तो पूजा थोड़ा जल्दी हो जाएगी। एक सिंदौरा से इधर से औरतें करेंगी और एक सिंदौरा से उधर से औरतें करेंगी। दोनों तरफ से गौरी माता में सिंदूर चढ़ेगा तो पूजा हमारी जल्दी समाप्त होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसी क्रम से पूजा शुरू हो चुकी है और गौरी माता को सिंदूर चढ़ाया जा रहा है।
तो ये पूजा दोनों तरफ से होगी तो जल्दी हो जाएगी। ये बच्चे सब खेल रहे हैं मंदिर में। ये पूजा बहुत अच्छी पूजा होती है फ्रेंड्स, बहुत मान हमारे यहाँ इस पूजा का बड़ा मान होता है। आसान माता की पूजा लोग जरूर करते हैं। किसी के घर में किसी तरह की कोई भी खुशी होती है, किसी के घर में किसी तरह का दुख होता है, सभी लोग अपने आसान माता से दुख दूर करने की विनती करती हैं और माता जी की पूजा रखवाती हैं। इसी तरह घर में अगर किसी की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, तो हमारे यहाँ आसान माता का पूजन करवाया जाता है। किसी के घर में बच्चा होता है तो भी आसान माता की पूजा रखवाई जाती है। किसी के ऊपर कोई परेशानी होती है और वो परेशानी माता जी दूर करती हैं, तब भी आसान माता की पूजा रखवाई जाती है। तो हमारे यहाँ आसान माता की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। प्राचीन शास्त्रों में भी आपने आसान माता की महिमा के बारे में सुना होगा कि जब भगवान रामचंद्र जी का विवाह हुआ था सीता माता से, और सीता माता जब अयोध्या आई थी तो उसके कुछ दिनों के बाद राजा दशरथ ने भी आसान माता की पूजा रखवाई थी। आसान माता माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, तो ये सभी भक्तों के दुख दूर करती हैं, सुहागिन औरतों का सुहाग अमर करती हैं, उनको सुहाग देती हैं, सुहाग की रक्षा करती हैं। तो इसलिए आसान माता की पूजा का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये देखिए एक एक करके सभी महिलाएं आती जा रही हैं और अपनी अपनी पूजा अपने क्रम से करती जा रही हैं। तो आज की पूजा फ्रेंड्स हमारे यहाँ सभी महिलाओं के सहयोग से हो रही है। सबने अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग किया है और इस पूजा को रखवाया है। ये पूजा हमारे मोहल्ले की, हमारे नगर की, हमारे आसपास की रखवाली के लिए की जा रही है। जब से कोरोना वायरस जैसी महामारी आई थी तो हमारे गांव में सभी मोहल्लों में अलग अलग इसी क्रम से पूजा हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा लेट हो गया है। हमारे इधर हमारे मोहल्ले में अभी तक पूजा नहीं हुई थी, तो आज हमारे यहाँ भी पूजा हो रही है। तो सभी महिलाओं ने मिलकर इस पूजा में अपना सहयोग दिया है और इस पूजा में भाग लिया है। तो सभी लोग कोरोना वायरस जैसी महामारी को दूर करने के लिए माता जी से विनती कर रही हैं। माता जी सभी की रक्षा करती हैं। महिलाएं ज़्यादा थी तो इसी वजह से थोड़ा हम लोगों को लेट हो गया है। कम महिलाएं होती हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है। ज़्यादा महिलाओं में यही होता है कि किसी का काम रह गया, सभी लोग अपना घर का काम, सुबह सुबह का टाइम रहता है, नहाना धोना रहता है, और किस जिससे घर में जेंट्स ऑफिस जाने वाले रहते हैं तो उनके लिए उनको टिफ़िन भी बनाना रहता है, नाश्ता भी देना रहता है। तो इसी वजह से ये पूजा शुरू होने में लगभग 10 बज गए हैं। तो पूजा का टाइम तो रखा गया था 8 बजे का, लेकिन क्या करें, घर के काम की वजह से हम लोगों को पूजा करने में इतना ज़्यादा टाइम हो गया है, तो लेट तो हो गया है। अभी इसमें भी एक दो महिलाएं ऐसी हैं कि जो अभी तक पूजा में पहुंच नहीं पाई हैं, लेकिन पूजा शुरू हो चुकी है। अब आप लोग सुनिए आसान माता का बहुत सुंदर गीत और फिर उसके बाद आरती, फिर पूजा समाप्त हो जाएगी।
अनुष्का, 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 उनका इधर पानी, दे दो। फ्रेंड्स देखिए हमारी पूजा हो गई है, ये है हमारा प्रसाद, ये हम प्रसाद लाए हैं। तो देखिए हम प्रसाद में क्या लाए हैं, ये हमारा प्रसाद है। तो आपने हमारी पूजा देखिए, आपको हमारी पूजा कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स।